स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज फिर एक नया सवाल के साथ। और हमने दो सवाल कर लिए केमिकल काइनेटिक्स के और जो चैप्टर नंबर 4। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट जो इसमें दिया गया है कि द डीकंपोजिशन ऑफ द NH3 और मॉलिक्यूल सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और व्हाट आर द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ N2H2। अगर हमारे पास K2.5 × 10⁻⁴ मोल बेटा एक चीज किताब में ये लिखा हुआ है, किताब में NCERT में ये लिखा हुआ है, बेटा ये गलत है। मैं बता दूं तो जरा जीरो ऑर्डर है तो K की जो यूनिट होगी वो मतलब कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। ये नहीं कि NCERT गलत है या वो किताब गलत है, NCERT बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जो ये होगा बेटा जी मोल्स पर लीटर प्लस, इसीलिए आप इसको ये लिखेंगे। क्लियर है? चलो, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा सवाल को शुरू करने से पहले देख लो सवाल में गिवन क्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखे बेटा जी गिवन दैट। तो हमारे पास इन्होंने कहा कि रिएक्शन है किसकी, अमोनिया की टूटेगी डिकम्पोजिशन की, जो किसमें टूटेगा बेटा जी हमारे N2 और H2 में, किसकी वैलेंस में, पहले लिखेंगे ऐसे कैटलिस्ट काम करेगा जो कि जिसकी सरफेस पे अमोनिया के N2 उसमें टूट जाएगा, N2 और हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए हम यहां पे 3 और यहां पे 2 कर देंगे। क्लियर है या नहीं है बात समझ में आती? क्लियर? अब इन्होंने कहा है हमें निकालना कि हमें गिवन है, कि हमें गिवन है जिसकी यूनिट हमने ठीक कर दी, ठीक है। चलो, और साथ में पूछा है प्रोडक्शन किसका, ये पूछा है, और साथ में क्या पूछा है, हाइड्रोजन पूछा है, हाइड्रोजन पूछा है। क्लियर है? चले, अब हमें पता है, थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं इस टॉपिक की, थोड़ी सी पार्ट को थ्योरी को, कि कोई भी अगर रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन है तो बेटा जी उसको इस तरह, तो जो रेट होता है, रेट रिएक्शन का रेट, वो जरा दरअसल ऐसे से करते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्शन होता है और ये इक्वल होता है माइनस के वन अपॉन ए डिवाइड कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डीटी, और ये सिर्फ ये कहलाता है बेटा जी क्या, फॉर्मेशन। बेटा जी ये क्या कहलाता है हमारे पास, जो ये है ये कहलाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और सिर्फ ये कहलाता है डिसअपीयरेंस ऑफ बी, और हमारे पास ये क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सी या प्रोडक्शन ऑफ सी, और ये क्या कहलाता है सिर्फ ये रेशो कहलाती है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्लियर है? उसी तरह से यहां देख लेंगे हमारे पास जो अगर रेट की बात करें तो बेटा जी हमारे पास क्या होगा 1/2 dt डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास बी N2 dt। क्लियर है? और 1/3 dt। बेटा एक चीज नोट कर लो, एक चीज क्या, ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या बेटा जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो बराबर क्या होता है सिर्फ के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट इक्वल है किसके, के के, हाँ है ना, किसके इक्वल बेटा जी के के, और इसको निकालने के लिए हम दोनों इक्वल यहां से N2 का निकालना हो तो यहां से निकाल सकते, क्योंकि हमें के हमें B1 है, तो यहां हम कर लेते हैं, इसको मैं रद्द कर रहा हूं, यहां क्या कहा मैंने कहा K
रेट बराबर के ठीक, और ये 80 यानी कि प्रोडक्शन ऑफ N2 बराबर है यानी कि, और K की वैल्यू क्या है 2.5 10 की पावर माइनस मोल्स पर लीटर पर सेकंड पर सेकंड, क्या निकल गया बेटा जी प्रोडक्शन ऑफ N2 रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 क्लियर है नहीं है बात समझ में आ गई। अब उसी तरह से हम यहां से निकाल लेंगे किसका प्रोडक्शन ऑफ H2, इसका निकाल लेंगे बेटा जी H2 क्लियर है या नहीं है बेटा जी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 3 उधर चला जाएगा हाँ है ना 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 यूनिट सेम की सेम रहेगी बिल्कुल मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.5 मोल्स पर लीटर क्लियर है या नहीं इसके H2 का प्रोडक्शन का क्लियर है या नहीं। हाँ इसी सवाल को मैं मॉडिफाई कर दूं हमें कह दिया जाए कि भैया डिसअपीयरेंस बता दो क्या बता दो डिसअपीयरेंस कुछ नहीं होगा भैया रेट का उसका जो इसके इक्वल ले लेंगे क्लियर है या नहीं आगे चले बात समझ आएंगे बेटा जी कोई दिक्कत नहीं आता चल। अब अगला सवाल हमारे पास जो होगा 2.4 क्लियर है उसके तैयार हो जब तक कोई दिक्कत कोई डाउट कोई अगर डाउट है बेटा जी आपको तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।